और ये मम्मी के व्रत के हो गए, थाली तैयार खाने की, पूजा वगैरह कर ली? कर ली। चलो खा लो, चल तू भी खा। बढ़िया सजा रखी है तुमने तो अपनी प्लेट। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और बाहर चल रहा है बहुत ही जोरों शोरों से काम, तो आपको मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही है मुझे नहीं पता। भाई यहाँ पे लैंटर डल रहा है जो सामने घर बन रहा है, और पूरे घर में बहुत ही ज्यादा आवाज आ रही है। तो मेरी आवाज आई डोंट नो आपको क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, पर काफी शोर हो रखा है आज बाहर। अभी भी बहुत ज्यादा शोर है। मैं थोड़ी देर के लिए लेट गया था, सो गया था, और अब उठाऊ तो अभी भी शोर ही हो रहा है बाहर बहुत ज्यादा। असल में दो जगह काम चल रहा है, एक तो जहाँ हम पहले गाड़ी अपनी खड़ी करते थे उसे सेंटर बोलते हैं, वो सेंटर भी टूट रहा है, और सामने घर में भी लैंटर डल रहा है, तो काफी ज्यादा शोर हो रहा है। और अभी मम्मी का कुछ सामान लाना है व्रत का, तो मैं बाइक निकाल के एक बार छावला जा रहा हूँ। मम्मी ने मेरे को बोला है तो कुछ सामान लेके आना है, मम्मी के लड्डू वगैरह लेके आने हैं व्रत के, चौलाई वाले लड्डू। तो अभी फटाफट मैं बाइक निकालता हूँ, तो चलते हैं एक बार छावला। सो गाइज, एडिटिंग करते वक्त मुझे पता चला कि मेरे माइक का बटन ऑफ था, अभी मैंने चेक किया तो वीडियो में वॉइस नहीं आ पाई है, तो ये वॉइस ओवर है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा। सो, मैं छावला जा रहा था मम्मी का सामान लेने, प्लस मैं घर पे बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा था, तो मैंने बाइक निकाल ली। मैंने सोचा चलते हैं, क्योंकि घर पे पता नहीं क्यों मन नहीं लग रहा था, प्लस बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था घर में, तो मैंने बाइक निकाल ली और हम छावला के लिए निकल गए। तो मैंने सोचा मम्मी का वो सामान भी ले लेंगे, प्लस अपनी राइड भी हो जाएगी। और GoPro की सेटिंग्स में मैंने कुछ चेंजेस किए थे, जैसे पहले मैं 4K पे रिकॉर्ड करने का ट्राई कर रहा था कि कैसा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन बाद में मुझे पता चला 4K बहुत ही ज़्यादा स्पेस लेता है, प्लस GoPro की बैटरी बहुत जल्दी डाउन मार जाती है 4K में, और 2.7K और 4K की रेजोल्यूशन में कुछ ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है हम लोगों को। तो मैंने सोचा कि वापस से 2.7K पे सेट कर लेते हैं। तो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2.7K एट 60 FPS में, और सुपर व्यू लगा रखा है मैंने। तो मैंने सोचा था कि आपको घर जाके थोड़ी बहुत सेटिंग्स अपनी GoPro की दिखा दूंगा, तो वो घर आके मैं आपको दिखाऊंगा GoPro की सेटिंग्स। फिलहाल हम छावला में एंटर कर गए थे, और छावला की यार सारी रोडें बन चुकी हैं, लेकिन बस यही रोड ये लोग बनाते नहीं हैं। पूरे छावला की सारी रोड मक्खन है, लेकिन यही रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये छावला की वन ऑफ द मेन रोड है, मेन रोड मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस पर बसेस वगैरह भी आती हैं, और ये रोड सबसे ज़्यादा टूटा हुआ है, प्लस इसके ब्रेकर बहुत ही ज़्यादा ऊंचे हैं। भाई मुझे बड़ा डर लगता है इन ब्रेकरों पे, देखो आप कितने ऊंचे ब्रेकर हैं, बाइक है ना नीचे से लगने का डर रहता है। और फिर हम उस दुकान की तरफ बढ़ने लगे जहाँ से हम घर का सारा सामान लेते हैं, जो कि राधे कृष्ण मंदिर के जस्ट अपोजिट में, लेफ्ट में। फिर हमने बाइक लगाई दुकान के सामने, फिर मैं दुकान के अंदर गया, और बाद में मुझे पता चला कि दुकान पे चौलाई का सारा सामान खत्म हो रखा है, तो मुझे लगा कोई बात नहीं हम दूसरी दुकान से ले लेते हैं आज। और फिर छावला में आए थे तो मेरा अचानक मन कर गया ढोकला खाने का, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे ढोकला नहीं खाया था, तो मैंने बीकानेर के सामने अपनी बाइक को लगाया। मैंने सोचा यहाँ से थोड़ा ढोकला ले लेते हैं। फिर ढोकला लेने के बाद मैंने सोचा चलो अब मम्मी का सामान ले लेते हैं। बाकी दुकानों पे मैं गया और मैंने 3-4 दुकानों पे पता किया, मुझे कहीं भी चौलाई के लड्डू नहीं मिले। फिर मेरे याद आया कि गाँव की तरफ जाते वक्त जब छावला से निकलते हैं वहाँ 2-3 दुकानें हैं, मेरे दिमाग से निकल गई थी, तो फिर हम उन दुकानों की तरफ आगे बढ़ने लगे। फिर हम दुकान पे पहुँच गए, और फिर दुकान पे आके जब मैंने पता किया तो उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं चौलाई का कोई भी सामान नहीं है। मैंने लड्डू पूछे, मैंने चौलाई की गज्जक पूछी, कुछ नहीं मिला। और जैसे ही मैं बाइक निकाल रहा था, बाइक निकालते निकालते एक भाई आया मेरे पास, उन्होंने बोला ये कैमरा लगा हुआ है आपके हेलमेट पे,
उन्होंने बोला कि मैंने आज तक किसी को ऐसे कैमरा लगा के देखा नहीं है, आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो? तो मैंने उन्हें अपना बाइक के वाइजर पे अपने चैनल का नाम बताया, उन्होंने बोला ठीक है भैया। फिर हम घर की तरफ निकल गए और बाद में मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे एक दुकान दिखी, तो मैंने सोचा एक फ़ाइनल ट्राई मार लेते हैं, पूछ लेते हैं इनसे। छोटी सी दुकान थी काफ़ी, तो हमने बाइक खड़ी करी, मैं पूछने गया तो फाइनली हमें मम्मी के लिए लड्डू मिल गए, सामने ही रखे हुए थे। फिर मैंने सामान ले लिया सारा, और सामान गिरे नहीं इसलिए मैंने वो सारा सामान अपने बैग के अंदर रख लिया, और अब मुझे काफ़ी ठीक लग रहा था क्योंकि हमने अपना सामान तो ले लिया था खाने पीने का, और मम्मी का नहीं मिल रहा था तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि मैंने उज्जवल के लिए भी सामान लिया था और अपने लिए ढोकला लिया था, तो अगर मम्मी के लिए नहीं मिलता तो सही नहीं लगता, वरना फिर हमें दीनपुर जाना पड़ता, वहाँ से मैं लेके आता चोलाई के लड्डू। लेकिन फाइनली फिर हमें मिल गए थे तो हम घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। फिर फाइनली सामान लेके हम पहुँच गए घर पे, और मैंने बाइक को अंदर खड़ी कर दिया। तो अब आ गए हैं घर और मैं लाया हूँ अपने लिए ढोकला, बहुत दिन हो गए थे ढोकला खाए, मेरा मन करेगा तो मैं ले आया, प्लस उज्जवल और पापा को भी दे देता हूँ क्योंकि मम्मी का तो फास्ट है। प्लस मैंने घर पे फ़ोन कर लिया था किसको क्या खाना है, तो उज्जवल के लिए मैं जलेबी लेके आया था। हेलमेट पहन के ना बाल बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, देखना कैसे चिपक गए हैं बाल मेरे, और मैं घर के सबसे पीछे वाले कमरे में हूँ ऊपर, फिर भी यहाँ तक इतना ज़बरदस्त शोर आ रहा है कि मैं बाहर वीडियो नहीं बना सकता, और यहाँ भी पता नहीं आवाज़ ढंग से आपको क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, बहुत शोर हो रहा है यार आज तो। ये मम्मी के व्रत की हो गई थाली तैयार खाने की, पूजा वगैरह कर ली? कर ली। चलो खा लो। सब तो बढ़िया सजा रखे तुमने तो अपनी प्लेट। और बस ये क्या? ये दही का थोड़ी चल रहे हैं, मुंह पर रंग बांट रहे हैं। तो भी खा ले ना, बस मैं अच्छी नहीं थी तो टेस्ट थोड़ी सा टेस्ट ही देखेगा कहां जाकर रुकेगा टेस्ट देख देख के तो नत्ता का लिया। सो गाइज अब मैं आपको अपने GoPro की सेटिंग्स दिखाता हूं कि मैं किस मोड पे रिकॉर्ड करता हूं, तो मैं आपको अभी GoPro दिखाता हूं अपना। ये मेरा GoPro, तो इसे फटाफट अभी फिलहाल ऑन कर लेते हैं। सो अभी इसकी एक्टिविटी शो कर रही है 2.7K 60fps और सुपर व्यू में, तो इसको ऑन करते हैं। तो एडिट पे क्लिक करते हैं। सो ये इसकी सेटिंग्स है, रेजोल्यूशन है 2.7K एट 60fps, लेंस है सुपर व्यू, स्मूथ में हमने कर रखा है, एक बूस्ट होता है, एक ऑन होता है, एक ऑफ होता है, तो हम इसे ऑन पे रखते हैं क्योंकि अभी 10% क्रॉप हो रखी है वीडियो। अगर हम इसे हाइपर स्मूथ में बूस्ट मोड पे करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा क्रॉप कर देगा जिससे व्यू पूरा नहीं आता हमारा। बाकी हमने जो इसका बिट रेट है वो लो पे नहीं कर रखा, स्टैंडर्ड पे नहीं कर रखा, हमने उसे हाई पे कर रखा है। प्लस इसका जो ISO मैक्स है, ISO मैक्स हमने इसका 6400 पे कर रखा, और ISO मिनिमम हमने इसका 100 पे कर रखा। प्लस जो इसकी शार्पनेस है वो हमने हाई पे नहीं कर रखी, क्योंकि हर चीज़ का व्यू आपको बहुत ही ज़्यादा शार्प दिखेगा, बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में दिखेगा, तो वो ज़्यादा सही नहीं लगेगा, तो हमने मीडियम पे कर रखा है। बाकी यही मेन सेटिंग्स है इसकी। रेजोल्यूशन हो गया, तो रेजोल्यूशन अभी मैंने कम इसलिए कर रखे हैं क्योंकि 2.7K और 4K में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन 4K की वीडियोज़ को बहुत ही ज़्यादा स्पेस चाहिए, प्लस बैटरी बहुत ज़्यादा जल्दी ड्रेन हो जाती है, तो मैं इसे आज से ही 2.7K पे कर लेता हूँ, क्योंकि 4K पे तो मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए कर रखा था, अभी वो एक्सपेरिमेंट मैंने करके देख लिया है, बैटरी बहुत जल्दी जाती है, प्लस क्वालिटी में इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, तो 2.7K बेस्ट है, इसको हमने सेट कर लिया है। तो बैक कर लेते हैं, तो अभी हमारी सेटिंग है 2.7K एट 60fps विद सुपर व्यू हमने लेंस कर रखा है। तो ये मेरी GoPro की कुछ सेटिंग है। अभी बैटरी है मेरी 59%, इसको भी मुझे चार्ज करना है, तो फिलहाल हम इसे कर देते हैं अभी ऑफ। तो अभी फिलहाल हमारा GoPro ऑफ हो चुका है। सो गाइज मैंने आपको GoPro की अपनी सेटिंग भी दिखा दी कि मैं किस चीज़ पे रिकॉर्ड करता हूँ। पहले मैं 2.7K से रिकॉर्ड करता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैं 4K पे रिकॉर्ड कर रहा था, मैं एक्सपेरिमेंट करके देख रहा था कि क्या ज़्यादा डिफरेंस आता है, लेकिन कोई मेजर ज़्यादा मुझे डिफरेंस लगा नहीं, तो वापस हम 2.7K पे रिकॉर्ड करना दोबारा से शुरू करेंगे। बाकी फिलहाल इस व्लॉग में बस इतना ही, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर पसंद आया हो तो कमेंट से बताना, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। इस व्लॉग को मिलते हैं अगले व्लॉग में जल्दी ही, तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।